यहाँ पे हम जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन को देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए शुरू करें। उससे पहले आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी और इसका जो टाइम रेंज होगा ये 2028 तक होगा। मतलब कि जो 2028 तक आपके एग्जाम होंगे वहां तक के लिए आपको इसी वीडियो से काम चल जाएगा। होता क्या है कि जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि जीआई टैग को एक या फिर दो साल से सुन रहे होंगे, लेकिन भारत में जीआई टैग सबसे पहले 2004-05 में दिया गया था। 2004-05 में जो जीआई टैग दिया गया ये था दार्जिलिंग की व्हाइट और ग्रीन टी। होता क्या है कि जब भी एक किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाएगा 10 सालों तक उसी के पास रहता है। 10 साल बाद ये देखा जाएगा कि क्या इससे बढ़िया इस चीज़ की क्वालिटी कहीं और है, अगर हाँ तो अब उसको जीआई टैग मिलेगा। क्योंकि अगर आप चाय की बात कर रहे हैं तो असम में भी चाय होता है, इनफैक्ट असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ असम इतना चाय नहीं होता, फिर भी यहाँ का चाय ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिल गया है। तो कहने का मतलब 2028 वाला ये था कि 2018 से लेकर के 20 तक के जो भी जीआई टैग है उनको हम कवर कर दे रहे हैं। ये अगले 10 साल यानी कि 2028 तक के एग्जाम को कवर करेंगे। शुरू करते हैं चाय से, जो कि मिला है दार्जिलिंग को। इसके बाद मणिपुर में मिला है काले चावल को। जो आप चावल देखते हैं ये तो व्हाइट होता है, लेकिन यहाँ पे जो मणिपुर में चाक हाओ है, जो कि नॉर्मल भाषा में कहें तो काला चावल जो कि इस तरह का दिखता है, इसको मिला है और ये आता है मणिपुर से। इसके बाद झारखंड की बात करें तो झारखंड में मिला है एक पेंटिंग को, जो कि है स्वराई खोबर की पेंटिंग। इसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, स्वराई खोबर की पेंटिंग जो कि झारखंड से है, उसको मिला है जीआई टैग। परीक्षा में पूछा किया जाएगा कि स्वराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, आपको बताना है कि इसका संबंध किस राज्य से है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे दो चीजों को जीआई टैग मिला है, एक तो टेराकोटा को। टेराकोटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी का खिलौना है, और एक मिला है चुनार बलुआ पत्थर को। यूपी की बात करें तो यूपी के जो भी एग्जाम होंगे अगर यूपी के जीआई टैग पूछा जाएगा तो उनमें इन्हीं में से कोई ना कोई पूछा जा सकता है। टेराकोटा, गोरखपुर और चुनार का बलुआ पत्थर, चुनार मिर्जापुर वाला जो एरिया है यहाँ पे आप उसे देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में कई सारी चीजों को जीआई टैग मिला है। एक तो ककलीपट्टी कदलाई मितई है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए इसको जीआई टैग मिला है। एक मिला है डंडीगुल ताले को, यहाँ पे आप देख रहे हैं डंडीगुल ताले, और कंदागी साड़ी, कंदागी साड़ी को आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु को। इसके अलावा जो जीआई टैग मिला है ये मिला है श्रीबिल्लुपुथुर पलकोवा को, जिसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, और जो जीआई टैग मिला है ये मिला है पलानी पच्चा मिर्थम प्रसाद को, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यानी कि तमिलनाडु में आप देखेंगे कि कई सारे चीजों के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग मिला है। अगर हम बात करें तमिलनाडु के और, तो तमिलनाडु में सिल्क साड़ी को भी मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। और तमिलनाडु से जो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यह है इरोड हल्दी, इरोड हल्दी को मिला है, जो कि आप मैप फिगर में यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो इरोड हल्दी वाला है कई बार पूछा जा चुका है। बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में मिला है एक साल को, यह है तौलो हुपान साल, यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके अलावा गोतेहे साल जो कि यहाँ है, इन दोनों को जीआई टैग मिला है। तो अभी हमने आपको बताया मिजो पुआन चेई साल, पांडुनम साल, ये सबके लिए मिला है किसको, मिजोरम के लिए। मतलब क्वेश्चन अगर साल पे आता है तो आप मिजोरम ट्रिक कर देंगे तो 90% चांस है कि वो सही हो जाए। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा को भी कई सारे चीजों के लिए जीआई टैग मिला है। यह है हरमल मिर्च, मांडोली केला और खेज, मतलब कि मिठाई। देखिए जीआई टैग जो वहाँ का जो बेस्ट होता है, जैसे कि अगर आप केला की बात करें तो कई जगह के और सारे केले हैं, लेकिन यहाँ का केला सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है, तो इसीलिए इसको जीआई टैग मिल गया है।
उसी तरह अगर मुर्गा की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक मुर्गा पाया जाता है, कड़कनाथ मुर्गा, उसको हम कवर करेंगे इसी में आगे। लेकिन आपको बता दें कि वो मुर्गा प्रोटीन के लिए जाना जाता है, बिल्कुल काला होता है, तो कड़कनाथ मुर्गा के लिए जीआई टैग मिला है मध्य प्रदेश को। हालांकि इसके कई सारे सोर्स अब झारखंड में भी खुल चुके हैं, लेकिन जीआई टैग एक बार मिल गया तो अगले 10 साल तक ये आप ही के पास रहेगा। अब बात करते हैं केरल में, तो केरल में जो सबसे ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन में, यह है तिरूर पान का पत्ता। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केरल को तिरूर पान के पत्ते को मिला है और मयूर गुड़ को मिला है केरल के लिए। वायनाड रोबेस्टा काफी मिला है केरल के लिए। देखिए वायनाड से आपको याद रखना चाहिए कि ये राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले बार अमेठी था लेकिन इस बार अमेठी से वो नहीं जीत पाए, तो इस बार जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है ये है वायनाड, मतलब कि केरल। आगे बढ़ते हैं तो ये है बिहार, जिसकी कैपिटल है पटना, और यहाँ पे अभी अभी मतलब कि 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ है। यहाँ पे जेडीयू सरकार में है, मतलब कि नीतीश कुमार वाली पार्टी, तो यहाँ पे कई सारे चीजों को जीआई टैग मिला है। एक है मखाना, इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग जो कि आप इसमें देख पा रहे हैं, सिलाव खाजा ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, शाही लीची मुजफ्फरपुर की शाही लीची है, तो ये कई बार पूछा गया है। हालांकि शाही लीची को लेकर काफी विवाद भी हुआ, इसे खाने से बच्चे बीमार पड़ रहे थे, तो ये है मुजफ्फरपुर की शाही लीची। जरदालू आम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और कतरनी चावल जो कि यहाँ पे है। तो बिहार को कई सारे चीजों के लिए जीआई टैग मिला है। देखिए आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, और जिसमें आपको इस तरह सेम फोटो दिखेगा, तो पीडीएफ का लिंक आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप पे जाइए और वहाँ पे जो स्पेशल करंट अफेयर है, स्पेशल करंट अफेयर, उस सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में मिला है सिरसी सुपारी को, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा कर्नाटक में मिला है गुलबर्गा तूर दाल को, जो तूर दाल है जिसका नाम है गुलबर्गा, इसको भी कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कुर्क अरेबिका कॉफी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए भी कर्नाटका को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा चिकमगलूर अमेरिका कॉफी, इसके लिए भी कर्नाटक को जीआई टैग मिला है। बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफी, इसके लिए भी कर्नाटक को जीआई टैग मिला है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन अरेबिका कॉफी जैसे है तो आप कर्नाटक कर सकते हैं। कर्नाटक को काफी के 4 से 5 प्रजातियों के लिए जीआई टैग दिया गया है। अब बात करते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की, तो कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को मिला है जीआई टैग कोल्हापुरी चप्पल के लिए। देख लीजिए ये कोल्हापुरी चप्पल है, इसके लिए जीआई टैग मिला है कर्नाटक और महाराष्ट्र को। अगर हम बात करें केवल महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मिला है सांगली हल्ले के और अल्फांसो आम के, यहाँ पे है सांगली हल्दी। क्या आप कमेंट करके बताएंगे कि ईरोड हल्दी के लिए किसको जीआई टैग मिला है, कमेंट करके बताइए। अभी ये क्वेश्चन पीछे गया है, तो बताइए कि ईरोड हल्दी के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है। सांगली हल्दी के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यह है उड़ीसा। उड़ीसा में जो जीआई टैग दिया गया है काला जीरा को, जो जीरा हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मली व्हाइट होता है, लेकिन हिमाचली काला जीरा के लिए उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। कंधमाल हल्दी ये भी उड़ीसा, इसके लिए जीआई टैग पाया है। इसके अलावा रसगुल्ला, रसगुल्ला को लेकर के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी विवाद था, लेकिन अंततः जो रसगुल्ला के लिए जीआई टैग मिला ये मिला उड़ीसा को। अब अगर हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों की बात करें, तो अरालू वैली अरेबिका काफी के लिए दोनों को जीआई टैग दिया गया है, सेम उसी तरह जैसे कि कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों को जीआई टैग मिला था। बात करते हैं तेलंगाना की, तो तेलंगाना को मिला है रुमाल के लिए, तौलिया रुमाल, तेलिया रुमाल कह सकते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और तेलंगाना को मिला है अलीदाबाद द्रोका के लिए, जो कि मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा है। यह एक घंटी वाली शिल्प धातु है, शिल्प किया गया है, मतलब कि कलाकारी की गई है, इसको जीआई टैग मिला है तेलंगाना के लिए। चलिए कमेंट करके बताइए तेलंगाना के गवर्नर कौन है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस समय तेलंगाना के गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइए। बात करते हैं अब कश्मीर की, तो कश्मीर को मिला है कश्मीरी केसर के लिए, केसर के लिए कश्मीर को जाना ही जाता है,
तो केसर के लिए मिला है कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश को मिला है चुली के तेल के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चुली है और इसके ये तेल है, तो चुली के तेल के लिए मिला है हिमाचल प्रदेश को। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को मिला है इंदो मिस्मी कपड़ा के लिए, इंदो मिस्मी कपड़ा के लिए मिला है अरुणाचल प्रदेश को। और इसके अलावा सिक्किम को मिला है डल्ले खुरसनी, जो कि एक मिर्च है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो डल्ले खुरसनी मिर्च के लिए मिला है सिक्किम को। देखिए इसमें से एक एक क्वेश्चन उतना ही महत्वपूर्ण है, आपको सबको याद रखना होगा और इसके लिए आप दो तीन बार इस वीडियो को देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मिला है जीरा फूल चावल को, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जीरा फूल चावल इसके लिए मिला है छत्तीसगढ़ को। गुजरात को मिला है पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग है ये देखिए ये, तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए मिला है गुजरात को। इसके अलावा असम को मिला है तेजपुर लीची के लिए और बोकासोल चावल के लिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बोकासोल चावल के लिए मिला है असम को। और ये है कड़कनाथ मुर्गा जिसके लिए हम आपको पहले ही बता रहे थे, ये मिला है मध्य प्रदेश को, बिल्कुल काला होता है। और जहाँ पे आप आम मुर्गे की बात करें तो आम मुर्गे का मांस आपको लगभग 200 रुपये किलो मिल जाएगा, तो इसका होगा 900 रुपये किलो, मतलब कि आप देख सकते हैं 4 गुना अधिक है, ये केवल हम उदाहरण बता रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करने के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।